गाइस हेलो नमस्ते माय सेल्फ जस्मिता वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आज सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आज का मेरा वीडियो है बनाना फेस मास्क स्पेशल विंटर के लिए, क्योंकि अभी विंटर का सीजन शुरू हो चुका है। आप सबको पता है अगर हम अपनी फेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा फेस डेफिनेटली रूखा सूखा हो जाता है। तो उसके लिए घर में आप कैसे आराम से ये वाला बना सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या चाहिए आपको। वीडियो के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ज़्यादा पका हुआ केला, साथ ही साथ दूध का मलाई और साथ ही साथ हमें शहद चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा केला लिया हुआ है और मैं उसे चम्मच के हेल्प से उसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो मैं आप सबको बता दूँ, केला हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि हमारे अंडर आइज़ को, डार्क सर्कल को भी कम करता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर भी करता है, साथ ही साथ वो हमारे स्किन के रिंकल्स को भी कम करता है। उसके बाद हम उसमें मिलाएंगे मलाई, जो कि मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया है। और मैं बता दूँ, मलाई भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि हमारे चेहरे को ग्लो करने के लिए यूज होता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को भी वो मॉइस्चराइजर करता है और साथ ही साथ हमारे सन बर्न वगैरह को भी कम करता है। उसके बाद हम उसमें मिलाएंगे शहद, जो कि ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे स्किन के जो एंटी एजिंग को भी कम करता है, स्किन को ग्लो देता है, साथ ही साथ हमारे स्किन में कम्प्लेक्शन भी लाता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमको क्या करना है, इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पैक बनाना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। फेस पैक को हम अच्छी तरह से फेस पर लगा देंगे। लगाने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट तक रखना है, उसके बाद हम अच्छी तरह से फेस को धो देंगे। गाइस आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी फायदेमंद वाला वीडियो था। और इसमें मैंने जो जो चीज़ यूज किए ये इजीली घर पर अवेलेबल होते हैं, तो ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये हमारे फेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ बता दो, आपका अच्छे रिजल्ट के लिए डेफिनेटली आपको हफ्ते में 2 बार इसे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या तो फिर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय।